राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने हस्बैंड की बहुत ही मनपसंद सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लें। देखिए, ये है ककोरा, जिसको कि बन करेली भी बोलते हैं और ककोरा भी बोलते हैं। आप मतलब क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, उसके लिए हमने एक बड़े साइज़ का ले लिया है प्याज, ये ज़्यादा बड़ा है तो इसकी वजह से। और ये 250 ग्राम मतलब हमारे बन करेली मतलब ककोरा है, जिसमें कि मतलब दो चार लाल हो गए हैं ना। क्या हुआ ना कि मतलब एक दिन पहले आए थे तो मंगलवार पड़ गया, इस वजह से हम मंगलवार के दिन लहसुन प्याज खाते नहीं हैं, तो उसकी वजह से इसमें दो चार खराब भी निकल गए। तो देखिए, अच्छे से इनको हमने वॉश कर लिया है, मतलब धुल लिया है, और धुलने के बाद अच्छे से सूख गया है। और अब चलिए इनको कट कर लेते हैं। और इधर बन रही है मेरी चाय, क्योंकि चाय तो भैया चाय का नाम सुन के तो बहुत ही मूड तरोताज़ा हो जाता है। तो चलिए, इधर मेरी चाय बन रही है, तब तक मतलब खौल रही है, तब तक हम ये काट लेते हैं। और क्या होता है ना, इसमें मतलब अगर 250 ग्राम आपके ये ककोरा है तो आप इसमें 100-150 ग्राम प्याज लीजिए। और ये देखिए, और हो सके तो आप इसे आयरन की कढ़ाई में बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए, हमारा सब्जी और प्याज दोनों चीज़ हमने कट कर लिया और अब हमने रख दी है कढ़ाई। और ये कढ़ाई आपको जली हुई लग रही होगी, लेकिन ये जली हुई नहीं है। क्या है ना, ये अब हल्की हो गई है, तो हमने इसको बहुत अच्छे से मांजना बंद कर दिया, मतलब अंदर अंदर धुलते हैं। और इसमें हमने चिप्स भूंजे हैं ना, तो थोड़ी काली ऐसी हो गई है। और आयरन की कढ़ाई में ही ज़्यादा सब्जी टेस्टी बनती है। तो चलिए, हमने कट कर लिए, आपको दिख रहे होंगे एक दो ककोरा मतलब लाल लाल भी हो गए हैं, लेकिन अगर ऐसे निकालते ना तो थोड़े ही बचते। और मैंने हस्बैंड की बहुत ही मनपसंद ये सब्जी है, तो फिर जो ज़्यादा लाल थे ना वो हमने निकाल लिए थे, और जो हल्के लालामी थी वो हमने कट कर लिए। तो चलिए, इसमें डाल देते हैं प्याज पहले। और प्याज आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही डालिएगा, क्योंकि हमारे पास मतलब प्याज मीडियम साइज़ की नहीं था। अगर मीडियम साइज़ के होते दो से तीन हम प्याज डालते, लेकिन हमारे पास एक बहुत मतलब बड़ा प्याज था, इसकी वजह से हमने कमी डाला। और मेरे यहाँ प्याज लहसुन बहुत ही कम मात्रा में खाया जाता है, तो हमें क्या करना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हमें प्याज को जलाना नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसको मतलब गोल्डन नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन हट जाए, बस हमें इतना ही इसको भूनना है। क्योंकि क्या है ना, अगर हम इसे ज़्यादा भून देंगे ना तो जब हमारी सब्जी पकेगी तो उसके साथ प्याज बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जल जाएगा। तो इसकी वजह से बस हमें इस स्टेज पर प्याज को लाना है, आप देख ही रहे हैं। तो इसके बाद अब हमें इसमें क्या डालना, बहुत ही कम मात्रा में हम मसाले डालेंगे, बहुत ही नॉर्मल मसाला डालेंगे और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। और अब हमने इसमें डाली है हल्दी, और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसके अलावा हमें हल्दी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और जो चीज़ें हमें डालनी है वो हम लास्ट में डालेंगे। और हल्दी डाल के बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक। ये आप लोग सीजन में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इस समय मतलब बाज़ार में भरपूर मात्रा में आ रहे हैं, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बेटा नहीं खाता है, लेकिन हमें और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा ये पसंद है, मतलब ये समझिए हफ्ते में एक दिन तो बनना ही बनना है। तो अब हमें क्या करना है, नमक हमने डाल दिया, अब इसमें छूटेगा पानी, हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस हमें अब इस बहुत ही धीमी आँच में इसे पकाना है, क्योंकि अगर तेज़ आँच में पकाएँगे तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल जाएंगे और अंदर से पक नहीं पाएंगे। चलिए, अब दूसरा गैस जला के रख दिया है हमने, ये हमने कढ़ाई रख दी है। अब चलिए, कुछ हमें इसमें मसाला भूजने हैं, तो हमने तवा रख दिया, तवा गैस पे चढ़ा दिया है, और बस हमें इसका कच्चापन हटाना है। तो हमने लिए खड़ी धनिया एक चम्मच, लिए छोटी वाली एक चम्मच, और थोड़ा सा लिया है आधा चम्मच लिया है जीरा, क्योंकि हमारे मतलब 250 ग्राम ककोरा है, और आधी चम्मच हमने ली है सौंफ, बड़ी वाली जो मसाला वाली होती है वो वाली, कोई भी आप जो भी आपके पास हो वो भी वही आप ले सकते हैं। तो चलिए, अब इसको हमें बहुत ज़्यादा इसको हमें भूंजना नहीं है, बस हमें ऐसा मतलब इसका जो आजकल क्या है ना, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र है ना मसालों में, तो बस हमें इसका मतलब नमी हटानी है, क्योंकि ऐसे अगर हम भूंजेंगे ना तो ये हमारा क्या है ना पक नहीं पाए मतलब पिस नहीं पाएगा, तो इसकी वजह से।
और हमें बीच बीच में सब्जी को भी चला के देखते रहना है। अगर हम सब्जी ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो हमारी सब्जी जल जाएगी और जो हमारी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। हो सकता है आप का कोई और तरीका है, हर एक का सब्जी बनाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो हम मतलब हमने जिस तरीके से बनाते हैं और जिस तरीके से बनाई वो हमने आप लोगों से आज शेयर किया। अगर आप में किस तरीके से बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारा ये मसाला है ना, जो खड़े मसाला थे ये भुन चुके हैं। अब चलिए इसको क्या करते हैं, इसको एक प्लेट या कटोरी में आप ट्रांसफ़र कर लें और इसको अब चलिए पीस लेते हैं। तो इतना मसाला तो मिक्सी में तो पीसेगा नहीं, तो चलिए इसको सिलबट्टा में अच्छे से पीस लेते हैं या आप मतलब कूट लीजिए। तो चलिए हमारा मसाला पिस गया और इसे आप एक चीज़ इसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि ये इस आपको बार बार इसे मतलब कलहारते रहना है। अगर आप ज़रा भी कलहारेंगे नहीं ना तो हमारा प्याज और ये सब्ज़ी बिल्कुल जल जाएगी। तो हमारी सब्ज़ी लगभग आप देख सकते हैं अभी बहुत ही अच्छे से नहीं पकी है। आप देख सकते हैं अभी ये जो हमारे ककोरा हैं ये अभी हमारा जो बक्कल है वो टाइट है। तो आप देख ही रहे हैं अगर इसमें हम प्याज पहले भूंज लेते तो देख सकते हैं कि हमारा प्याज बिल्कुल जल जाता, अभी हमारा प्याज बिल्कुल भी नहीं जला है। चलिए थोड़ी देर के लिए इसे और ढक देते हैं क्योंकि अभी अच्छे से सब्ज़ी नहीं बनी है। परफेक्ट सब्ज़ी जब ही बनेगी जब बहुत ही अच्छे से कलर जाएगा। तो चलिए अब हम ये मसाला जो हमने पीसा है ना ये हमें इस तरीके से अब मसाला हमें ये डाल देना और मसाला डालने के बाद अच्छे से हम कलहार देंगे और कलहारने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें और ढक देना है। अब हमें इसके मसाला डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं ढकना है क्योंकि अगर हम अब बहुत ज़्यादा ढक देंगे ना तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भी बेकार हो जाएगी। तो चलिए अब हमारा पक गए हैं ककोरा बिल्कुल अच्छे से। अब हमें बिल्कुल ज़रा सी डालना है लाल मिर्च पाउडर। आप इसमें मिर्च पाउडर बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, मेरे यहाँ तो बहुत कम ही तीखा खाया जाता है। और इसमें आधा चम्मच डाल लेंगे अमचूर पाउडर, मतलब जो पिसी खटाई होती है वो आपको डालना। आपके यहाँ अगर खट्टा खाया जाता है ज़्यादा तो आप थोड़ा मतलब ज़्यादा डाल दीजिए। तो ये हमारी परफेक्ट सब्जी बन के हो गई तैयार। देख सकते हैं कितनी अच्छा कलर आया और बहुत ही परफेक्ट सब्जी बनी है और इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं पड़ता। आई होप आज की वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और किस तरीके से आप लोग सब्जी बनाते हैं ये भी मतलब ज़रूर बताइएगा। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे शरीर को भी बहुत ज़्यादा ये मतलब लाभदायक होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। जय